है। हाँ। तू सब कुछ जानता है कन्हैया? तू अच्छे से जानता है कि रणभूमि के अंदर किसकी जीत होने वाली है और किसकी हार होने वाली है? मुझे नहीं पता, बस मुझे एक बार ये बता दे कि मेरे पांचों पांडवों की जीत कैसे होगी, उस जीत का रास्ता बता दे कन्हैया। अगर ये चाहती है कि तेरे पांचों पांडवों की जीत होनी चाहिए बुआ कुंती, बिल्कुल होनी चाहिए, तो वो काम कर दे जो मैं तेरे से कहना चाह रहा हूँ। बता मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरे से वादा करती है? बिल्कुल वादा करती हूँ, जो तू कहेगा वो ही करेगी ये कुंती। पक्की बात है? कहे अपनी बात तो सुनिए मेरी। कहिए कन्हैया। हमारे अच्छा आ जावेगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। ओ, 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 रे करण बनी के ढोले जाके और भेद खोल दे सारा। और वो साथ हमारे आ जावेगा तेरा बेटा प्यारा। इधर आ मेरे पास, इधर आ। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है? थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बोल। अगर किसी ने इस बात को सुन भी लिया ना भाई साहब कि करण बलि मेरा पुत्र है, भाई साहब अगर चाय पिलाओगे तो सारा का सारा नाश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक पसीने आ रहे हैं। तुम यार मेरा निवेदन है कृपया ऐसे मत करो भाई। जब से चाय नहीं पिलाई ताऊ भी दुश्मन है हमारा। हाँ। अब चाय लेके आया भाई साहब। कोई बात नहीं, इधर दे दो, दो दो कप फालतू दे दो कलाकारों को। उधर मत दो, उधर ना पीवे कोई भी चाय, आज इधर ले आओ। या पुराने ईश्वर पहलवान जी के वहाँ पर खेत पर लेबर लग रही, वहाँ पहुँचा दो। हाँ जी और परम आदरणीय मिस्त्री फोरमन जी, वो 100 रुपए से मान सम्मान करते और मंदिर में देते हैं, 100 रुपए परमादरणीय पद्धर जी महाराज के चरणों में देते भाई। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। धार्मिक रागिणी चल रही है, करण कुंती संवाद की रागिणी चल रही है, अच्छी लग रही है, तो भाई सभी कलाकारों के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आइए किस तरह से लिखा क्या बताया। दुर्योधन ने मानी कोन्या एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। अरे भीष्म द्रोण विदुर कृपा, भीष्म द्रोण विदुर कृपा, चारी ने कही भतेरी। उसने सबको ठुकरा दिया। अच्छा। और मौत शीश पर गिरी। बिना युद्ध के नहीं दिखता, हमारी भी अब चारा।
मिस्त्री जी, 100 रुपए भाई संजय के लिए और 100 रुपए कंचन यादव जी के लिए, पर जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। परम आदरणीय डॉक्टर हुशियार सिंह जी, 100 रुपए मंदिर में और 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। परम आदरणीय कृष्ण कुमार जी, 100 रुपए 100 रुपए मंदिर में और 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और इस रागने पे, क्योंकि सभी रागनियों पे पुरस्कार दिया है, लेकिन इस रागने पे इंस्पेक्टर साहब चुप बैठे हैं, शायद रागनी अच्छी नहीं लग रही होगी, एक बार ताली मार दो जोरदार ताली। उन्हें अच्छी लग रही है, बस सुनने में मगन है, इस रागनी इतनी अच्छी लग रही है, हाँ। गौर, एक एक शब्द पे गौर कर रहे हैं वो, सुनकर नहीं। ये तो मैं भी जानती हूँ कि जिसके साथ तू है ना, उसकी कभी हार नहीं हो सकती। अच्छा, और तू ये अच्छी तरीके से जानता है कि उस करण बलि को कभी कुंती ने माँ का प्यार नहीं दिया, आज वो इतना बड़ा हो चुका है, और अब तू कह रहा है कि उसके पास जाकर के मैं सारा भेद खोल दूं। हाँ। तू पागल तो नहीं हो गया है कन्हैया? वो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करेगा, और अगर मैंने उसे बता भी दिया तो वो कर भी क्या लेगा, ये तो बता दे। यकीन करेगा और तेरी बातों पर गौर भी करेगा। अच्छा, अगर कोई और बात तेरे दिल में है तो वो मुझे बता दे। मुझे ये बता दे कि उसके साथ आने ना आने से डर क्या है? उसके साथ आने ना आने से डर क्या है? हाँ। अगर पांचों पांडवों के साथ में नहीं मिलकर के युद्ध करा, हाँ, तो अकेला करण, हाँ, इन पांचों पांडवों को ले बैठेगा। अच्छा, और महारानी कुंती, हाँ, हे बुआ कुंती, तुम अपने पांचों पांडवों से हाथ धो बैठोगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे खुल के बता दे। उसे करण को किसी और का डर नहीं है। अरे दादा गुरु भीष्म द्रोण विदुर कृपाचार्य एक से एक योद्धा महायोद्धा है, ऐसे ऐसे योद्धाओं से कोई खतरा नहीं है। अच्छा। अगर तेरे पांचों पांडवों को खतरा है तो केवल और केवल तेरे उस करण से खतरा है। बता दे कैसे खतरा, ये भी और बता, कह दे कन्हैया। परमादरणीय सतवीर जी, 250 रुपए मंदिर में और 250 रुपए हमारी पार्टी के लिए देते हैं, बार बार धन्यवाद। और जो दानीदाता दान दे रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आगे क्या लिखा, किस तरह से बताया, कैसे? बेटा इतना ही बजा, इतना ही मिलेगा जब कितना हाथ पीट ले, रुक थम के बजा थोड़ा। अरे भीष्म द्रोण साथ देंगे उस पापी दुर्योधन का, उनको पांडव, हाँ, उनको पांडव, हाँ, उनको पांडव प्यारा, उन पे ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। अरे तेरे पांचों बेटों पे, अच्छा, तेरे पांचों बेटों पे ना चटका झिले करने का, सच पूछे थे, सच पूछे थे, हाँ? वो ही प्यासा इन पांडवों के प्राणन का, पांडवों के प्राणन का। कमेटी है, मंदिर कमेटी भाई, कई 100 रुपए पहले दे चुकी है, कई 1000 रुपए पहले दे चुकी है, और 500 रुपए से और इस रागड़ी पर खुश होकर मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली। और लक्ष्मी टाइल अटेली से वो भी 500 रुपए मंदिर में दान देते हैं, और 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। आइए,
धन्यवाद करता हूं आदरणीय शायद भाई का नाम सतेंद्र यादव है, लक्ष्मी टाइल हाउस अटेली जो कि बोचड़िया गांव से है। उन्होंने जब शंकर भोलेनाथ का भंडारा हुआ था, जागरण हुआ था, तो भी काफी नाम दान दिया था और आज फिर मेरी पार्टी के लिए दे रहे हैं। और मेरा निवेदन है जिसे भी टाइल की जरूरत पड़े तो लक्ष्मी टाइल हाउस पे पहुंचे। एक की गैल एक फ्री है कैसे? हाँ, एक की गैल एक फ्री नहीं, मुझे एक पेटी की गैल चार पेटी फ्री दी थी क्योंकि एक छोटी सी झोपड़ी मैंने भी बनाई। अच्छा, तो एक बार भाई के लिए जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली, लेकिन 500 रुपए कम है उनके माध्यम से। हाँ, कम से कम 2100 होने चाहिए, कम से कम 2100 रुपए देखो दादाजी होने चाहिए। आएंगे आएंगे, अभी और भी मुझे टाइल की जरूरत है, चाहे मेरे माए से काट लियो कोई दिक्कत नहीं है। सजनो, दो कली आपके बीच में लगी है, यदि अच्छी लगी हो, समझ लगी हो और मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। क्या लिखा तीसरी कली में? मेरी कुंती बुआ चली जा। कैसे परेशान है कन्हैया? हाँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तेरे से ज्यादा इस कृष्ण की बुद्धि खराब हो चुकी। अरे है, अरे तेरी तो खराब होना हो, पर तूने तो मैं बिल्कुल ही पागल सी कर दी आज। क्यों? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, कहे जा रहा है कि करण बलि के पास चली जा, ये बता कि अगर मैं उसके पास चली भी जाऊं तेरे कहने से, तो मैं उसे शुरुआत कैसे करूं, कैसे बताऊं कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ लगती हूँ? जाकर के करण से कह देना का बेटे करण कैसे, तुम मेरी जन्मी हुई संतान है और मैंने तुझे पेट पार करके जन्म दिया। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे बताऊं? बताऊं? कहे सुन, मेरी को चली जा। हाँ, मेरी कुंती बुआ हो चली जा, इब मतना देर लगाइए, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से पास बिठा के तू उसने समझिए, तू उसने समझिए। अरे उसकी जन्म कहानी का। अच्छा, उसकी जन्म कहानी का उसे सारा भेद बताइए। पांचों पांडव। हाँ, पांचों पांडव। हाँ, पांचों पांडव भाई तेरे, तू जाके उसे बताइए, जाके उसे सुनाइए। चुके थे और 2100 रुपए फिर से लक्ष्मी टाइल हाउस हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली। आइए, और परम आदरणीय अविनाश डीजे साउंड अटेली से वो भी 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी मान सम्मान करें। आइए, कैसे क्या लिखा? अगर अब भी तुझे कोई शक संदेह लग रहा हो बुआ कुंती, तो मुझे बता सकती है, अन्यथा मेरी बात मान और सीधी उस करण के पास चली जा। मुझे डर लग रहा है कन्हैया। अब भी डर लग रहा है? कृष्ण के होते हुए भी डर लग रहा है? तेरे होते हुए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। फिर क्यों घबरा रही है? लेकिन तूने मुझे कार्य ही ऐसा करने के लिए दिया है कि मुझे 10 बार सोचनी पड़ रही है। हाँ। अगर उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया, और तो और छोड़, अगर उसने मुझे मां स्वीकार करने से मना कर दिया तो बताओ मैं कहां जाके मरूंगी। अगर तेरे साथ में आने से मना कर दे, अगर वो करण तुम्हें मां कहने से मना कर दे, तो एक काम जरूर करना। क्या कर दूं वो और बता दे। 3 वचन भरवा लेना। 3 वचन? हाँ। अच्छा, और 3 वचनों में क्या मांगना है तुझे? क्या मांगू? सुनेगी? कह अपनी गौर कर। बैठ जा करण बलि, ऐसे मत करे।
फेर वचन हाँ फेर वचन वचन भरवा लीजे तू फेर वचन भरवा लीजे वो वीर बड़ा सदानी वीर बड़ा सदानी प्राण दान पाचों का मांगना पाचों के प्राण मांग लूं प्राण दान पाचों का मांगना ना होगी फिर हानी इस तरिया से तेरे बेटिया की बच जागी जिंदगानी बच जागी जिंदगानी Let's go!